अभिनेत्री मालिका शरावत ने भारत में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारत महात्मा गांधी की भूमि से सामूहिक दुष्कर्मियों की भूमि बन गया है। मालिका बुधवार को दासदेव की विशेष स्क्रीनिंग के मौके पर मीडिया से बातचीत करती नजर आईं। 22 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र के लड़कियों से बलात्कार करने वालों के लिए मौत की सजा देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। मालिका का कहना है, सी वी आर नॉट लॉ मेकर्स, बॉलीवुड हम लॉ नहीं बनाते, वी कैन ओनली गिव एन ओपिनियन एंड आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग विद वुमेन एंड चिल्ड्रन इन दिस कंट्रीज इज एब्सोल्युटली शेमफुल, वेरी शेमफुल। From the land of Gandhi, we've become a land of gang rapists. And I think it's the media in the country that is really a strong force today. So all hopes are really pinned on the media. If it's not for the media, nobody will know about these cases. Nobody will talk about it. But media ke pressure se hi ye naye laws aa rahe hain. So we are really thankful to the media for this. मालिका ने अपने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा, एक इंटरनेशनल शो है जिसके मैंने लीगली राइट्स लिए हैं अमेरिकन कंपनी से टू रीमेक इन इंडिया, जैसे 24 बना था लीगल राइट्स लेके, सो आई विल बी मेकिंग द अनाउंसमेंट फॉर दैट वेरी सून। इट्स एन एमी अवार्ड विनिंग शो।